आज का सेशन जिसका टॉपिक रहने वाला है पर्सनल केयर, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। मींस पर्सनल केयर रेंज जो है आपकी ओके लाइफ केयर की, उसमें क्या खास बात है ऐसी जो आपको वो प्रेफर करनी चाहिए ओवर दूसरे प्रोडक्ट्स, तो इस बारे में हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से वो काम करता है, कितनी लेयर्स होती है स्किन में, ये सभी चीजें हम जानेंगे। उससे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं एक प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ ओके लाइफ केयर की ओर से। मेरा नाम दीपक कश्यप है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो वाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स, मीन्स ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स ही क्यों लेने चाहिए आपको, ऐसा की ऐसी क्या खास बात है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी ब्यूटी और पर्सनल केयर का जो आज हमारा फोकस रहने वाला है, तो हमारी जो बेटर यू रेंज के नाम से आती है, जो हमारी पर्सनल केयर रेंज है, जिसमें क्रीम्स, फेस वॉश, सोप, काफी चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले न्यूट्री कॉस्मेटिक्स हैं। न्यूट्री कॉस्मेटिक ऐसी कैटेगरी होती है कॉस्मेटिक्स की जो कि आपके स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्किन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, नैनो इमल्शन मीन्स जो इमल्शन है इसका वो नैनो पार्टिकल्स का है, मीन्स इनके पार्टिकल साइज को इतना रिड्यूस किया गया है, इतना छोटा किया गया है कि आप छोटी फॉर्म भी मीन्स छोटी अमाउंट भी ज्यादा सरफेस एरिया पर कवर कर सकते हैं, वो फैल जाती है, इजिली स्प्रेडेबल हो जाती है और एक थिन लेयर फॉर्म करती है। एग्जाम्पल आप नैनो इमल्शन मीन्स छोटे पार्टिकल्स होने का कैसे ले सकते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। कि जैसे आप लीजिए कोई चौक का पीस होता है, उसको अगर जो आप किसी टेबल पर या किसी फर्श पर रखेंगे तो वो एक पीस इतनी ही जगह के रहेगा जहां पर वो रखा होगा, लेकिन अगर जो आप उसको पीस देते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं, तो उसी अमाउंट को आप ज्यादा सरफेस पर फैला सकते हैं, काफी एरिया में फैला सकते हैं। तो ये फायदा होता है छोटे पार्टिकल्स का, छोटे साइज होने का। एक्वा बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मीन्स इसमें जो बेस है वो एक्वा है, मीन्स वाटर है। बात की जाए वैक्स बेस की या ऑयल बेस की, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, उनमें क्या होता है, जो बेस होता है वो ऑयल या वैक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट लगाएंगे वो कुछ टाइम बाद आपको चिपचिपाहट महसूस होगी, आपकी स्किन ऑयली सी हो जाएगी और वो धूल मिट्टी को भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, काफी हैवी फील होगा आपको। लेकिन जो एक्वा होता है वो आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको हैवी फील नहीं देता, चिपचिपाहट इतनी महसूस नहीं कराता जितने की ऑयल या वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट करवाते हैं। हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं वो डर्मेटोलॉजिकली सेफ है, मीन्स लैब में उनके पास ऊपर टेस्ट किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स में डाले गए हैं वो आपकी स्किन पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो बात करते हैं ट्रस्ट की। तो जैसा मैं बता रहा था पर्सनल केयर है, आप रख लेंगे तो आपको कैसे विश्वास होगा कि इसको लगाने से आपकी स्किन पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। वो होता है काम एजेंसीज का, ऑथराइजेशन का, मीन्स काफी सारी अथॉरिटीज है, एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेट्स देती हैं क्वालिटी टेस्टिंग के रिगार्डिंग, हार्मफुल इफेक्ट्स का चेक करती हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट्स हैं जिनसे हम सर्टिफाइड है, रेगुलेटेड है, जो कि ये विश्वास दिलाने के लिए काफी है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं और आपकी स्किन पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आपका स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्किन ऊपर से तो नॉर्मल दिखती है, मीन्स आपकी स्किन है उसके ऊपर आपको हल्के हल्के आपके रोए जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन अंदर से इसका स्ट्रक्चर काफी अलग सा होता है। कैसे, सबसे पहले इसमें तीन लेयर होती है, एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे होती है डर्मिस, फिर होती है फैट लेयर। तो शुरुआत करते हैं एपिडर्मिस से। आपकी जो अपर मोस्ट लेयर है ये एपिडर्मिस होती है और इसके ऊपर स्ट्रैटम कोर्नियम, जिसको केराटिन भी कहा जाता है, उसकी एक लेयर होती है जो कि आपकी स्किन को थोड़ा रिजिड बनाती है, स्ट्रोंग बनाती है। आपको कभी चोट लगती है, अगर जो आपकी ऊपर की खाल हट गई चोट की वजह से या घिसने की वजह से, तो आपने देखा होगा आपके अंदर की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, उसमें जलन लगने लगती है, काफी दुख होता है। तो केराटिन आपकी स्किन को स्ट्रोंग बना के रखता है ताकि आप रेजिस्टिव रहे बाहर के एनवायरमेंट से। साथ ही इसमें मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। मेलेनोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि मेलेनिन हार्मोन बनाते हैं। मेलेनिन हार्मोन मीन्स मेलेनिन हार्मोन आपका जो स्किन का स्ट्रक्चर है, मीन्स आपका जो स्किन का टेक्सचर है, ज्यादा मेलेनिन होगा तो आपका स्किन टोन डार्क होगा, मीन्स रंग सांवला होगा, और अगर जो मेलेनिन की मात्रा कम है आपकी स्किन में तो आपका स्किन केयर जो स्किन कलर है वो फेयर होगा। तो ये सभी चीजें पाई जाती हैं। और बात की जाए
आपके जो कैपिलरीज होती हैं, स्वेट ग्लैंड होती है, उसकी ओपनिंग भी आपके एपिडर्मिस के ऊपर होती है। इसका क्या रोल है मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। फिर आता है डर्मिस, तो लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। डर्मिस में सबसे पहले होती है स्वेट ग्लैंड, तो इसकी जो ओपनिंग है वो सीधा ऊपर एपिडर्मिस पर खुलती है। मीन्स जब आपको बाहर गर्मी ज्यादा लगती है तो ये क्या करता है, आपके शरीर का जो मॉइस्चर है, जो वाटर कंटेंट है, वो ऊपर ले जाकर इसको फैला देता है। जो आपको पसीना आने की जो होती है ना सिचुएशन, वो गर्मी में ही क्यों आता है, इससे क्या होता है, ये इवेपोरेट होता है, भाप बनता है। और एक साइंटिफिक रूल है कि जब मॉइस्चर उड़ता है, इवेपोरेट करता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट छोड़कर जाता है, मीन्स कूलिंग करता है। इसी वजह से जो आपने कूलर्स देखे होंगे, जिनके चारों ओर आपने देखा होगा घास लगी होती है, पानी बहता रहता है, तो जब वो हवा खींचता है अपने अंदर और तो वो पानी उड़ता है, वो इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मिलती है नर्व एंडिंग्स, मीन्स जो आपके स्किन के नर्व्स हैं, आपके शरीर की, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, ये एपिडर्मिस पर टच होती हैं। मीन्स आपको कोई भी चीज फील होती है कि ये ठंडी है, गर्म है, कोई आपको चोट लगती है, कोई चीज चुभती है, सॉफ्ट है, रफ है, ये सब भी आपको फील होती है नर्व एंडिंग्स की वजह से। क्योंकि कोई भी चीज फील होगी, उसका सिग्नल सीधा यहाँ से ट्रांसमिट होकर आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन को पता चल जाता है कि ये चीज सॉफ्ट है, हार्श है, कैसी है। आगे है कैपिलरीज। कैपिलरीज ब्लड वेसल जो होती है उनकी सब यूनिट होती है एक तरह से। जो ब्रांचिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का, ब्लड का, न्यूट्रिएंट्स का आपस में एक्सचेंज होता है। जी आगे चलते हैं। फोलिकल्स, हेयर फोलिकल्स। हेयर फोलिकल एक तरह की कैविटी होती है जिसमें कि आपके जो स्किन हेयर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जमे हुए होते हैं, जैसे जमीन के अंदर पेड़ों की जड़ जमी हुई होती है इस तरह से। तो आपके बालों को स्ट्रोंग रखते हैं, ये वहां पर फिक्स रखते हैं, उनको उखड़ने से बचाते हैं। आगे है सेबेसियस ग्लैंड। इसी के साथ में होती है सेबेसियस ग्लैंड, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है। मीन्स आपकी स्किन पर ये ऑयल टाइम टू टाइम सिक्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक ऑयल लेयर बनती रहती है और मॉइस्चर लॉस होने से बचता है आपकी स्किन से। लेकिन इसकी एक्टिविटी नॉर्मल से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होती है। कैसे? और जो ये कम ऑयल प्रोड्यूस करेगी तो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, मीन्स जो आपकी खुश्क त्वचा होती है। अगर जो ये ज्यादा एक्टिव रहती है, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, तो चिपचिपाहट, मीन्स ऑयल स्किन, जो दो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन ऑयली होती है। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ से क्या होता है, न्यू सेल्स बनते हैं और जो पुराने सेल्स है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होते रहते हैं। तो डर्मिस का साइज देखा जाए तो एपिडर्मिस के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके जस्ट नीचे होती है फैट लेयर, मींस आपका जो फैट होता है शरीर का, वो होती है, उसकी लेयर होती है। इसमें पाया जाता है जो फैट होता है, आपका जो वसा होती है, ये कुशनिंग इफेक्ट देता है, मींस आपके बॉडी ऑर्गन्स को शोक से बचाने में हेल्प करता है। इवन इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके स्किन का स्ट्रक्चर बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और ब्लड वेसल्स होती है, जो कि मैं बता चुका हूँ, उनसे कैपिलरीज निकलती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी स्किन किस टाइप की हो सकती है, ड्राई स्किन, ऑयल स्किन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऐसी स्किन होती है जैसे कि सर्दियों में तो ड्राई हो जाएगी, गर्मियों में ऑयली हो जाएगी, और नॉर्मल मीन्स ना ज्यादा चिपचिपी ना ज्यादा ड्राई। सबसे पहले आता है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग में क्या होता है, क्लींजिंग की जाती है, जो आपके स्किन पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, इसमें उनमें से जो डस्ट है, इंप्योरिटीज है, ऑयल है, वो बाहर निकलता है। फिर आता है टोनिंग। टोनिंग में क्या है, जो पोर साइज खुल गया है उनको बंद किया जाता है, टोनिंग में उनको वापस से टोन किया जाता है, एक साइज में लाया जाता है। मॉइस्चराइज किया जाता है, मीन्स जब क्लींजिंग होती है, पोर साइज खुला, फिर टोनिंग करने में भी टाइम लगता है, मीन्स पोर साइज खुला रह गया, आपके शरीर से मॉइस्चर लॉस हो जाता है आपकी स्किन में से, तो उसको मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। फिर आता है नरिशिंग, मीन्स प्रोडक्ट्स लगाते हैं आप अच्छे, जैसे कि मास्क हो गया, या दूसरी चीजें भी लगाते हैं आप जो कि आपकी स्किन को नरिश करते हैं। तो अगर जो आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, आप इसका पता लगा सकते हैं। कैसे? टिश्यू पेपर टेस्ट से। मीन्स आप पानी से अपना फेस वॉश से मुंह धोइए, 1 घंटे बाद एक साफ टिश्यू पेपर लीजिए, आपका जो टी पॉइंट होता है स्किन पर, मीन्स आपका माथा, आपके गाल, आपके जो नोज के अराउंड का एरिया, उस पर आप उसको फेर कर देखिए, टिश्यू
टैप कर कर देखिए, जिसके वजह से क्या होगा, और जो वो ऑयल कैच करता है तो आपकी स्किन ऑयली है, और जो वो नहीं करता तो आपकी स्किन ड्राई है, सॉरी नॉर्मल है। और अगर जो फेस वॉश करने के बाद आपकी त्वचा खिंची खिंची महसूस होती है, उसमें आपको महसूस होता है कि हाँ थोड़ी खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आपकी स्किन ड्राई है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। तो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स बताना चाहूंगा मैं, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एलर्जी। तो शुरुआत के तीन है जो, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, ये लगभग एक ही कंडीशन है। मीन्स ये डस्ट और इम्प्योरिटीज की वजह से होता है, क्योंकि जब ये डस्ट और इम्प्योरिटीज आपकी सीबेसियस ग्लैंड के साथ जो ऑयल सिक्रेट हुआ है उसके साथ ये कंबाइन कर जाते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम्स ये करते हैं। मीन्स आपके जो पोर्स होते हैं उनमें ये बैठ जाते हैं। और एलर्जी, एलर्जी एक अलग चीज है, वो रेस्पॉन्स होता है आपका बॉडी का बाहर के जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनके खिलाफ। तो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले इम्प्रॉपर क्लींजिंग, मीन्स आपकी जो क्लींजिंग हुई है वही अच्छे से नहीं हुई है, उसमें इम्प्योरिटीज रह गई है, तो एक्ने की, पिंपल्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओवर एक्टिव सीबेसियस ग्लैंड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर जो सीबेसियस ग्लैंड आपको ज्यादा ऑयल सिक्रेट करेगी तो ऑयली स्किन, चिपचिपी स्किन होगी आपकी, तो वो ज्यादा डस्ट इम्प्योरिटीज को अट्रैक्ट करेगी और आपको पिंपल्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पोर्स ओपन रहते हैं, तो पोर्स ओपन रहने की वजह से मॉइस्चर लॉस होता है, और उनके ओपन रहने की वजह से उनमें डस्ट, इम्प्योरिटीज, पोल्यूटेंट्स भी सेटल डाउन हो सकते हैं, इवन बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, प्यूबर्टी हिट करते हैं, मीन्स जो 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है बॉयज और गर्ल्स में, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपने देखा होगा। ऐसी उम्र में पिंपल्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पुअर बोवल मूवमेंट्स, मीन्स पेट साफ नहीं होता है, उसमें भी हो जाता है। हीट, आपके आसपास ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे में क्या होता है कि मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा बनता है आपके शरीर में, आपका स्किन टोन जो है वो डार्क होने लगता है। इवन प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, धूप में ज्यादा देर है आप तो सनबर्न्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, पसीना ज्यादा आएगा आपके शरीर में, मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, आपका शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। तो आगे चलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका स्किन अफेक्ट होता है, वो होता है स्लीप एंड रेस्ट। मीन्स आप नींद कितनी ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो आप एक दिन नींद ना लें, एक रात आप ना सोएं, तो अगले दिन क्या होगा, आपको दिखेगा कि आपके जो चेहरे का ग्लो है वो काफी कम हो चुका है, आपकी आंखों के नीचे आपको हल्के हल्के डार्क सर्कल दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर जो यही आपका जो प्रोसेस है ये चलता रहे 3 दिन 4 दिन के, तो क्या होगा, आपके चेहरे का ग्लो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, डार्क सर्कल ज्यादा दिखेंगे, इवन फाइन लाइंस भी दिखने लगेगी, हल्की हल्की लकीरें जैसे, रिंकल्स जैसी। वाटर, पानी ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पियेंगे तो आपका जो कैपिलरीज हैं वो भी वाटर अच्छे से करती रहेंगे, इवन टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं आपकी स्किन में से। एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस कंट्रोल कर देंगे तो आपका जो डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है, जो आपके मूड को अच्छा बनाते हैं, वो अच्छी मात्रा में सिक्रेट होंगे, और कोर्टिसोल की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप अपनी स्किन को अच्छा भी रख पाएंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपका, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं बाहर से उसकी सप्लाई आपके सभी ऑर्गन्स तक अच्छे से पहुंचेगी। नेक्स्ट है डाइट, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स अगर जो आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, ऐसे ऐसा खाना खा रहे हैं, नॉर्मल नेचुरल फ्रूट वेजिटेबल्स ले रहे हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छा बनाए रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। इवन टॉक्सिक सब्सटेंस, मीन्स आपके आसपास पोल्यूशन ज्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनमें कि हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि ओल्ड एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ सभी को प्रॉब्लम्स आती है स्किन से रिलेटेड, जैसे कि जो स्किन का ग्लो है, जो ब्राइटनेस है वो चली जाती है काफी हद तक, रिंकल्स, झुर्रियों की प्रॉब्लम आ जाती है, इवन झाइयां भी हो जाती है कुछ लोगों में। सन यूवी रेज जो होती है वो आपके स्किन के स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तोड़ती है, इवन टैनिंग जैसी प्रॉब्लम भी, सनबर्न जैसी प्रॉब्लम भी वो करती है। विंड, तेज हवाएं अपने साथ जो डस्ट इम्प्योरिटीज जो होती है आपकी स्किन पर वो डायरेक्ट हिट करती है, जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लोग हो सकते हैं, आपकी स्किन का मॉइस्चर उड़ सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपके शरीर से पानी की मात्रा कम होगी ज्यादा पसीना निकलने की वजह से, ह्यूमिडिटी में क्या होगा, पसीना सूखता ही नहीं है क्योंकि उमस रहती है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में आपको गर्मी तो लग रही है आपकी स्किन को लेकिन उसको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में भी आपकी स्किन डैमेज होती है। और पोल्यूशन
जो कि आप जानते ही हैं आसपास आपके पोल्यूटेड एरिया है, आप अपने आप को कवर करके नहीं चलते हैं बाहर, तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स आप ये लगा सकते हैं, एक खुले सांड की तरह होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में इधर से उधर घूमते रहते हैं। कोई भी मिला उसको टक्कर मार दी, जिस तरह से सांड करता है इसी तरह ये भी करते हैं, आपके ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचाते हैं। तो अगर जो आपके स्किन के अंदर ये लिपिड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, मीन्स आपके स्किन के अंदर जो फैट है, तो आपके जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी, क्योंकि फैट तो अब वहां बचा ही नहीं, उसको तो तोड़ दिया। प्रोटीन्स, आपके स्किन में दो प्रोटीन होते हैं, कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन प्रोटीन होता है जो आपके स्किन स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है। इलास्टिन की बात की जाए, ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रखता है। मीन्स अगर जो इलास्टिन अच्छा बना हुआ है आपके स्किन में, तो आपको झुर्रिया, रिंकल्स, फाइन लाइन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इलास्टिन आपका कम हो जाता है, तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो प्रोटीन अगर जो ब्रेक हो गए, तो रिंकल्स, फाइन लाइन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो सभी ब्यूटीफुल बोर्न हुए हैं, जी हाँ, हर कोई इस दुनिया में ब्यूटीफुल बोर्न हुआ है, चाहे वो इंटरनल ब्यूटी हो या एक्सटर्नल ब्यूटी हो, सभी का मन, सभी का तन स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। लेकिन इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप और अच्छा बना सकते हैं, इस पर काम करके, इसकी देखरेख करके, जिसकी वजह से अपनी ब्यूटी आपके हाथ में होती है। तो ब्यूटी मार्केट ओवरव्यू की बात करते हैं, तो जो पर्सनल केयर होती है उसमें स्किन केयर का शेयर है 72%, और कलर्स जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गई, हेयर कलर हो गया, इनका परसेंट जो है 28 है। तो जो कंट्री का कॉस्मेटिक और कॉस्मेस्यूटिकल मार्केट है, वो तकरीबन 25% तक बढ़ जाएगा 2025 तक, जो कि है $20 बिलियन। ये कहना है इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं। और जो इंडिया का कॉस्मेस्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसका शेयर है तकरीबन 6.5 बिलियन ग्लोबल मार्केट में से, जो कि है 274 बिलियन। आगे बात करते हैं, तो स्किन केयर जो मार्केट है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन्स आपकी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सुपर प्रीमियम, प्रीमियम, मिड मार्केट और मास मार्केट। तो सुपर प्रीमियम ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन प्राइस इनका बहुत ज्यादा होता है। प्रीमियम में आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, प्राइस भी जस्टिफाई करते हैं इनका। और बात की जाए प्रीमियम की, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल माना जाता है इसमें, मीन्स सुपर प्रीमियम से भी ज्यादा पोटेंशियल माना जाता है, बिकॉज जरूरी नहीं हर कोई सुपर प्रीमियम को अफोर्ड कर सके। तो बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस पर जो अवेलेबिलिटी होती है, वो होती है प्रीमियम की। तो ब्यूटी पोर्टफोलियो देखा जाए, तो इंडिया में जो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, मोर देन 90% वो होते हैं प्रीमियम रेंज में। तो पर्सनल केयर की बात करता हूँ मैं, पर्सनल केयर की मैं खासियत बता चुका हूँ आप सभी को कि न्यूट्री कॉस्मेटिक्स हैं ये, नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इसमें, और एक्वा बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मीन्स बेस्ड जो है वो एक्वा है, वाटर है, ऑयल या वैक्स की जगह, या फिर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं इसमें, जो आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। तो ये सभी मैं बताना चाहूंगा, तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा। तो चलिए बेटर यू रेंज के बारे में जानते हैं। क्रीम्स, सबसे पहले हमारी क्रीम्स आती हैं, जो बेटर यू हैप्पी के नाम से मिलती है आपको, हैप्पी कोल्ड क्रीम। जी हाँ, नाम से आपको समझ में आ गया हो, कोल्ड मीन्स विंटर्स के लिए है एक क्रीम हमारी। तो विंटर्स में क्या होता है, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, वो फटने लगती है, तो आपके स्किन को ये मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा, और आपकी जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उससे भी आपको निजात दिलाने में हेल्प करेगा। हैप्पी फेयरनेस क्रीम आपकी स्किन को फेयर रखने में, ग्लोइंग रखने में, ब्राइट रखने में हेल्प करेगा ये। हैप्पी डे क्रीम, अब दिन में आप बाहर रहते हैं तो आपकी स्किन में से मॉइस्चर लॉस होता है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मीन्स मॉइस्चर आपकी स्किन में बनाए रखता है, ये सॉफ्ट, सपल, स्मूथ बनाता है उसको। हैप्पी नाइट क्रीम तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो आपका जो स्लीप है, रेस्ट है, बहुत जरूरी होता है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग होती है आपकी, एक तरह से आप रिचार्ज होते हैं एक तरह से, ताकि जो पूरे दिन भर की थकान है उसका वो
वो पोषण किया पूरा किया जा सके रात में, तो आपके स्किन को नरिश करता है, आपके स्किन सेल्स को रिवाइटलाइज करता है, मीन्स उनकी फंक्शनिंग को अच्छा बनाता है, और इलास्टिसिटी रिस्टोर करता है, मीन्स आपकी जो इलास्टिसिटी है स्किन की उसको अच्छा बनाए रखता है। बात करते हैं बॉडी केयर की, सबसे पहले आता है बॉडी वॉश। तो बॉडी वॉश क्या करेगा, आपकी स्किन से डस्ट को, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है आपकी स्किन, और पीएच बैलेंस भी आपका मेंटेन रखता है। बिकॉज और जो आपका स्किन का पीएच जो नॉर्मल होता है 7, वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो दोनों कंडीशन में आपकी स्किन डैमेज होने लगती है। बॉडी बटर, ये मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। सभी स्किन टाइप्स के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, चाहे ड्राई स्किन के पर्सन हो, नॉर्मल स्किन के पर्सन हो, वो इसको यूज कर सकते हैं। फेस वॉश की बात करते हैं अब। सबसे पहला आता है पपाया फेस वॉश। तो पपाया में एक पिगमेंट पाया जाता है पेपेन, जो कि आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कम करने की क्षमता रखता है, तो इसमें वो डाला गया है। आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, आपको एक रेडियंस ग्लो ये देता है। एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, तो डस्ट को, इम्प्योरिटीज को, ऑयल को आपकी स्किन से निकालता है, ये रिजुनेट करता है आपकी स्किन को। रिजुनेट का मतलब उनको एक नई ऊर्जा देगा, नई लाइफ देता है, कायाकल्प करता है, एक तरह से आप ये लगा सकते हैं। रिड्यूस करता है आपके स्किन मार्क्स को, स्किन मार्क्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये हल्का करता है। नीम तुलसी फेस वॉश, अब जो नीम और तुलसी होते हैं इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, और बात की जाए एक्ने की, पिंपल्स की प्रॉब्लम की, तो एक बैक्टीरिया होता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नेस, वो आपकी स्किन पर ग्रो करने लगता है, मीन्स आपके जो पोर्स होते हैं उनके अंदर वो डस्ट को, इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन करके ग्रो करने लगता है, तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी ग्रोथ को रोकने में ये हेल्प करेगा, एंटी एक्ने इफेक्ट है इसका, और डस्ट को, इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा, और सभी स्किन टाइप्स के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करके आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, बिकॉज सभी नेचुरली तरीके से ब्यूटीफुल तो है, लेकिन उसको भी और अच्छा बनाया जा सकता है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करके आप अपनी स्किन का केयरिंग कीजिए, उसका ध्यान रखिए, अपनी स्किन को अच्छा बनाइए। अब बात करते हैं हेयर केयर की। सबसे पहला आता है हेयर सीरम, इसमें एर्गन और कैरेट एक्सट्रैक्ट डाला है, जो कि आपके बालों को मजबूत करता है, सॉफ्ट स्मूथ टेंगल फ्री लुक देने में हेल्प करता है, और अगर जो आपके बाल क्रैक्ड हैं, डैमेज्ड हैं, उनकी भी रिपेयरिंग में मदद करता है वो। हेयर वॉश एक वाइब्रेंट और रिफ्रेशिंग फॉर्मूला है, आपकी हेयर की रिपेयर करेगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा आपके बालों को, उनको मजबूती देगा। बेटर यू बॉडी सोप, तो जो हमारा ये सोप आता है वो आता है नीम, तुलसी और पुदीना के गुणों के साथ, तो इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देंगे आपकी स्किन पर। दूसरी बात, आपकी स्किन को नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, एक रिफ्रेशिंग लुक देते हैं। बात की जाए टीएफएम की, जिसको टोटल फैटी मैटर भी कहा जाता है, वो मिलता है इसमें 78%, जो कि इसको एक ए ग्रेड सोप बनाता है, एक अच्छी उच्चतम क्वालिटी का सोप बनाता है। तो आप गूगल करके देख सकते हैं टीएफएम की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ए ग्रेड सोप में वो होती है 75 से 100% के बीच, और इसमें मिलती है आपको 78%, तो ये ए ग्रेड सोप है, काफी अच्छी क्वालिटी का सोप है। प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। हाइजीन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है हमारा ओके स्माइल, जो कि टूथपेस्ट है हमारा। इसमें आपको टिप्पल प्रोटेक्शन मिलती है, मीन्स नीम, क्लोवर और कैल्शियम के गुणों के साथ आता है ये, जो कि आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। अलग से इसमें हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डाले हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, और आपके जो गम्स हैं, जो टीथ हैं, उनको हेल्दी रखने में मदद करते हैं, फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाने में आपको मदद करेंगे, आपकी जो ग्रिप है, मसूड़ों की जो ग्रिप है दांतों के ऊपर, उसको ये अच्छा बनाते हैं। तो आगे चलते हैं, दिवास पेटल्स, ये सैनिटरी पैड्स हैं फीमेल्स के लिए। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से काफी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में, और कुछ आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो भी हम प्रोडक्ट्स लाते हैं वो मार्केट को एनालाइज करने के बाद लाते हैं, ऐसा नहीं है हमने कुछ भी लिया है जिसकी मार्केट को जरूरत ही नहीं है। जी नहीं, मार्केट को एनालाइज किया जाता है, कंज्यूमर्स की नीड कैसी है, उनको
किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए इस टाइम में, वो कैसी आशा रखते हैं हमसे, ये सभी देखने के बाद ही हम प्रोडक्ट्स के आइडियाज शेयर करते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट लाना चाहिए, कंज्यूमर की ऐसी नीड है। फिर इसके ऊपर लैब में काम शुरू होता है, मीन्स लैब में। जी सर, मैं चाहूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज सेशन खत्म होने के बाद पूछिए मुझसे, मैं आपके रिप्लाईज करूंगा, नो प्रॉब्लम सर। तो मैं बता रहा था कि आइडिया शेयर किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा कि किस तरह का प्रोडक्ट लाना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर काम शुरू होता है, रिसर्च की जाती है कितने इंग्रेडिएंट्स, किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स में डालने चाहिए, कोई बैड इफेक्ट तो नहीं है, कितने अमाउंट में डलेगा, यूज कैसे करना है, पैकिंग कैसी रहेगी, एक्सपायरी कितनी सेट रहेगी, सभी चीजों पर काम किया जाता है। जी हाँ, सभी चीजों पर काम किया जाता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवाया जाता है। मुझे लगता है मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है, इसकी वजह से आप समझ गए होंगे कि जो हमारी पर्सनल केयर है, बेटर यू रेंज है, वो किस तरह से अच्छी है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा मुझे सुनने के लिए।